गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन 11, द रेड ट्रैप। पिछले वीडियो में जहाँ आपने इसको छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. आपकी बुक के पेज नंबर 80 का ऊपर से सेकंड पैराग्राफ है। तो यहाँ पे वो लोहार बोलता है, क्या कहता है कि वो कहता है उसे कि कृपया ऐसा न सोचें कि मेरा घर बहुत सुंदर है कि तुम वहाँ आ ही नहीं सकते। उसने कहा कि एलिजाबेथ मर चुकी है, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होंगे। माय बॉयज आर एब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माय ओल्डेस्ट डॉटर एंड माय सेल्फ। और वो कहता है कि मेरे लड़के विदेश में हैं और वहाँ घर पे मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है, यानी कि मेरे घर पे मेरे और मेरी सबसे बड़ी बेटी के अलावा कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। और वो कहता है कि हम अभी कह ही रहे थे कि बड़ी बुरी बात थी कि क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं था। नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपीयर ए लिटिल फास्टर। और वो कहता है आगे कि अब मेरे साथ आओ और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा और जल्दी समाप्त करने में हमारी मदद करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। किंतु अजनबी व्यक्ति बार बार मना करता रहा और मालिक लोहार को लगा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, मतलब कि उसे घर जाने के लिए जिद नहीं करना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैनले प्रिफर्ड टू स्टे विद यू टू नाइट स्टंच स्टॉम ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। ऐसा लगता है मानो कैप्टन वॉन स्टेहल आपके साथ आज रात ठहरना पसंद करेंगे। स्टर्जन स्ट्रम उसने मुख्य लोहार से कहा और पीछे की ओर घूम गया। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैक स्मिथ हू न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड। किंतु जाते जाते वह अपने आप पर हंसा और लोहार जो उसे जानता था अच्छी तरह समझ गया कि वह अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था। कहने का मतलब कि मालिक जिसने अपना अंतिम प्रयास अभी छोड़ा नहीं था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फॉर्ज एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। और आधे घंटे से भी कम समय में ही उस डलाईगर के बाहर उन्हें एक वाहन के पहियों की आवाज़ सुनाई पड़ी और यह नया अतिथि अंदर आया, किंतु इस बार ये मालिक लोहार नहीं था। He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better power
ऑफ पर्जुएशन देन ही हिमसेल्फ। उसने अपनी बेटी को भेजा था, स्पष्ट है, ये आशा करते हुए कि राजी करने की अनन्य शक्ति उसमें उससे ज्यादा होगी, यानी कि लोहार से उसकी बेटी में ज्यादा होगी। सी इंटर्ड फॉलोड बाई ए वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। उसने अंदर प्रवेश किया, पीछे पीछे अपनी बाह पर बड़ा फर का कोट डाले उसका निजी नौकर था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। वह बिल्कुल आकर्षक नहीं थी, किंतु शालीन और बहुत संकोचशील लग रही थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। ढलाई गर्मी सब कुछ वैसा ही था जैसे कि पहले शाम को था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। अजनबी, सॉरी, मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी बेंच पर बैठे थे और लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में चमक रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज। अजनबी जमीन पर पसर गया और कच्चे लोहे का एक टुकड़ा सिर के नीचे लगाकर लेटा हुआ था और उसने अपना टॉप आंखों पर सरका लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। जैसे ही युवा लड़की ने उसे देखा, वह उसके पास गई और उसने उसका टॉप उठा दिया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। साफ तौर पर उस आदमी को एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। ही जंप्ड अप एब्रप्टली एंड सेम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। वह अचानक उछला और भयभीत दिखाई दिया। माई नेम इज एडला विल्मसन सेड द यंग गर्ल। मेरा नाम एडला विल्मसन है, युवती ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम एंड ब्रिंग यू होम टू अस। मेरे पिता घर आए और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहाँ ढलाई घर में सोना चाहते हैं और फिर मैंने यहाँ आने और आपको घर ले जाने की अनुमति मांगी। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। और उसने कहा कि मुझे अफसोस है, मुझे बेहद दुख है कैप्टन कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आईज एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वॉज अफ्रेड। उसने अपनी गंभीर आंखों से सहानुभूतिपूर्वक उसकी ओर देखा और फिर उसने देखा कि वह आदमी डरा हुआ था। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल। शी थॉट एंड एडिड क्विकली यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैन। और उसके बाद में वो लड़की सोचती है या तो इसने कोई वस्तु चुराई है या फिर यह जेल से भाग कर आया। उसने सोचा और जल्दी से यह बात जोड़ी, कैप्टन आप आश्वस्त हो सकते हो कि आपको हम उतनी ही स्वतंत्रतापूर्वक
जाने देंगे जितनी स्वतंत्रता पूर्वक आप आए हो। ओनली प्लीज स्टे विद अस आवर क्रिसमस ईव, कृपया सिर्फ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमारे साथ ठहर जाएं। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर। उसने यह इतने मित्रवत भरे अंदाज में कहा कि चूहेदानी बेचने वाले को उस पर भरोसा हो गया। इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी योर सेल्फ मिस ही सेड। मिस, यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई कि आप मुझे लेकर परेशान होगी, उसने कहा। आई विल कम एट वंस, मैं अभी चलूँगा, यानी कि वो कहता है कि मैं अभी आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप बो। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस। उसने फर का वह कोट स्वीकार कर लिया जो नौकर ने झुक कर नमस्कार करते हुए से दिया। उसने इसे अपने फटे यानि कि रैग्स चिथड़े जिसको बोलते हैं फटे कपड़ों के ऊपर डाल लिया और चकित लोहारों की तरफ एक भी निगाह डाले बिना युवती के पीछे पीछे वाहन तक गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरवर्डिंग्स, किंतु हवेली की तरफ गाड़ी में बैठकर जाते समय उसे अनिष्ट की आशंका हो रही थी। Why the devil did I take that fellow's money? He thought. और वो सोचता है, उसने सोचा, आखिर मैंने उस आदमी का पैसा क्यों चुरा लिया था? यानि कि जिस व्यक्ति को वो लूट कर आ रहा था उस जंगल में से होते हुए, उसी के बारे में सोचता है और वो कहता है कि क्यों मैंने उस व्यक्ति के पैसों को चुराया था। Now I am sitting in the trap and will never get out of it. और वो कहता है कि अब मैं उसी पिंजड़े के अंदर बैठा रहा हूँ और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूँगा। यानी कि जिस तरह से वो इस पूरे विश्व को एक चूहेदानी मानता है, उसी तरह से वो सोचता है कि अब मैंने भी कुछ गलत किया है तो मैं भी उसी पिंजरे के अंदर फंस चुका हूँ और अब इससे बाहर निकलना मुश्किल होगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव एंड वेन देयर ओन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली। अगले दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और जब मालिक लोहार भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया तो शायद उसने अपने सेना के उस साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा जिससे उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से हो गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बॉन्स, ही सेड टू हिज डॉटर हु वाज बिजी एट टेबल। उसने कहा अपनी पुत्री से जो उस टेबल पर काम में व्यस्त थी, क्या कहा कि सर्वप्रथम हमें यह देखना चाहिए कि इसकी हड्डियों पर थोड़ा मांस चढ़ जाए, अर्थात ये थोड़ा कुछ हटा कटा हो जाए। उसने अपनी बेटी से कहा जो खाने की मेज पर खाना परोसने में व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर हमको यह देखना चाहिए कि इसे देश में चारों ओर घूमकर चूहेदानियां बेचने की अपेक्षा कोई दूसरा काम मिल जाए। इट इज क्वेयर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। उसकी पुत्री ने कहा
क्या कहा कि बड़ी विचित्र बात है कि इनके हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए हैं, क्योंकि वो उसे एक चूहेदानी बेचने वाला एक घुमक्कड़ ही नहीं मान रहे, बल्कि वो उस मुखे लोहार का कोई पुराना मित्र मान रहे हैं जो कि उस समय कोई किसी समय सेना में रहा हो, यानी कि वो अभी भी एक भ्रम की स्थिति में बैठे हुए हैं। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। पिछली रात मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ थी जो यह दिखा सकती थी कि वह कभी कोई शिक्षित व्यक्ति रहा था। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। यानी कि उसकी पुत्री ने यह सब बोला था कि पिछली रात जब मैं इसको लेकर आई थी तो मुझे कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ था कि कभी यह एक शिक्षित व्यक्ति रहा हो। तो उसके पिता उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, कि थोड़ा धैर्य रखो मेरी बच्ची। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। और वो कहते हैं कि जैसे ही यह नए कपड़े पहनेगा, स्नान करेगा, तो तुम अलग ही चीज देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड। और उसने कहा कि पिछली रात स्वाभाविक रूप से यह परेशान था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथेज। और उसने कहा कि उसके ये घुमक्कड़ जिनकी वाले कपड़ों के उतरने के साथ ही उसके ये घुमक्कड़पन के हाव भाव समाप्त हो जाएंगे। जस्ट एज ही शेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जो ही उसने ऐसा कहा, दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वह सचमुच में साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वेलेट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। नौकर ने उसे स्नान करवाया था, उसके बाल काटे थे और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेज विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। इसके अलावा उसने मिल मालिक की सुंदर दिखने वाली पोशाक पहन रखी थी। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेच कॉलर एंड होल शूज। उसने स्पेस शर्ट, क्लफ लगी हुई कड़क कॉलर और पूरे जूते पहन रखे थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, देयर ओन मास्टर डिड नॉट सीम प्लेज्ड। यद्यपि उसका अतिथि अब खूब सजा संवरा था, लेकिन मालिक लोहार संतुष्ट नहीं दिखा। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो एंड इट वॉज इजी टू अंडरस्टैंड दैट वेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फाइनेंस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, बट दैट नाउ वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। उसने माथे पर सलवटें डालते हुए उसकी ओर देखा और यह समझना आसान था कि उसने अजनबी को भट्टी के धुंधले प्रकाश में देखा तो उसने गलती कर दी होगी। किंतु अब जबकि वह यहाँ दिन के खुले उजाले में खड़ा था, उसे पुराना परिचित समझने की गलती करना असंभव था। वट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। थंडर्ड का मतलब गरजना। उसने गरजते हुए कहा कि तो इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट। अजनबी ने धोखा देने की कोशिश नहीं की। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड। वह तुरंत समझ गया कि शान शौकत का अंत हो चुका था, यानी कि
वो भी समझ गया था कि अब मुख्य लोहार को या उस मिल मालिक को अब उसकी सच्चाई का पता चल चुका है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड। उसने कहा, श्रीमान जी, यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, एंड आई प्लेडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज। और उसने कहा, मैंने एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया, और मैंने ढलाईगर में ठहरने की अनुमति पाने के लिए ही याचना और प्रार्थना की। बट नो हार्म हैज बीन डन। और उसने कहा, मैंने कोई नुकसान नहीं किया, यानी कि कोई भी इसमें नुकसान भी तो नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे। और वो कहता है, उसके बाद में कहता है कि बुरे से बुरा तो यही होगा कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पुनः पहन सकता हूँ और जा सकता हूँ। वेल, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग ए लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर। और अच्छा, थोड़ा हिचकिचाते हुए मालिक लोहार ने कहा, यह ईमानदारीपूर्ण बात भी नहीं थी। यू मस्ट एडमिट दैट, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर। और वो कहता है कि तुम्हें यह स्वीकार करना चाहिए और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि यदि कानून के रक्षक अधिकारी इस मामले में कुछ कहें। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टक द टेबल विद हिज फिस्ट। घुमक्कड़ एक कदम आगे बढ़ा और मेज पर एक मुक्का मारा, घुंसा मारा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड। उसके बाद में वो कहता है कि श्रीमान मालिक लोहार, बात क्या है, अब मैं आपको बताऊंगा। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। उसने कहा कि यह संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज, रेंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इन टू ट्रबल। और उस चीज़ का मतलब पनीर, किसी गरीब को परेशानी में डालने के लिए सजाई गई पनीर की बाहरी परत और पोर्क यानी कि सुअर के मांस के टुकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। और आगे वो कहता है, एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लुक्स लॉक्स मी अप फॉर दिस देन यू। यानी कि उसके बाद में कहता है, यदि इस बात पर के लिए कानून रक्षक अधिकारी आए और मुझे जेल में डाल दे तो मालिक लोहार, आप ध्यान रखना कि एक दिन आ सकता है। क्या हो सकता है उस दिन? कि आप सुअर के मांस का बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाह सकते हो और तब आप पिंजरे में फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ। उस मालिक लोहार ने हंसने शुरू किया। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो। और वो कहता है कि मेरे साथी या मेरे भले आदमी, आपका कावा कथन इतना बुरा भी नहीं है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ एलोन ऑन क्रिसमस ईव। और उसके बाद में वो कहता है कि शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हमें कानून रक्षक अधिकारी को तो छोड़ ही देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एट फास्ट एज यू कैन। और उसके बाद में कहता है, परंतु अब यहाँ से जितना जल्दी हो उसके बाहर निकलो। बट जस्ट एज द मैन
ओपनिंग द डोर द डॉटर शेड आई थिंक ही ओट टू स्टे विद अस टूडे। किंतु जो ही वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, बेटी ने कहा, मैं समझती हूँ इन्हें आज हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो। और वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि ये आज जाएं। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर। और ऐसा कहते के साथ ही, यानी कि ऐसा कहने के साथ ही वह गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर। और उसके पिता ने कहा, यहाँ अब तुम क्या कह रही हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।